मेरा दोस्त तीसरी शादी कर रहा था पर उसकी एक भी औलाद नहीं थी। वो मुझसे कहता, अगर तू शादी करे तो मेरे वाली गलती न करना, बल्कि शादी की पहली रात बीवी के बिस्तर के नीचे कच्ची मछली जरूर रखना। मैं उसकी बात पर बहुत हंसा, लेकिन फिर जब शादी हुई तो कुछ सोचते बीवी से छुपाकर कच्ची मछली बीवी के बिस्तर के नीचे रख दी। अगली सुबह जब आंख खुली तो दुनिया हिल गई कि बीवी दर्द से चीख रही थी और उसके आसमान पर धनक के सात रंग आए हुए थे, जो कि इस बात का अंदिया थे कि दोबारा बारिश नहीं होगी। मैंने अपने बड़ों को यही कहते सुना था कि बारिश के बाद आसमान पर बनने वाली धनक से बारिश नहीं आती। मुझे बारिश के रुक जाने की बहुत खुशी थी, क्योंकि बारिश की वजह से भट्टे में ईंटों को पकाने वाला काम ठप हो जाता था। मुसलसल कई दिनों से बारिश हो रही थी, मगर धनक के सातों रंग इस बात का अंदिया दे रहे थे कि अब दोबारा नहीं होगी। मैं धनक के सातों रंगों को अपनी आंखों में उतारने के बाद अपने काम की तरफ चला गया। मैं भट्टे पर मुंशी था, मुझे मेरे अब्बा की जगह पर रखा गया था। जब इनकी वफात हुई तो भट्टे के मालिक ने मुझे उनकी जगह पर रख लिया। भट्टे का मालिक बहुत रहमदिल इंसान था, वो तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखता था। जब मेरे अब्बा फोत हुए तो मेरे पास इतने भी पैसे न थे कि मैं इनकी तदफीन का सामान कर सकता, और ना ही अब्बा की कोई जमा पूंजी थी जिससे उनकी तदफीन का सामान कर पाते। भट्टे के मालिक ने हमारी मदद की और अब्बा के कफन दफन का इंतजाम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया। फिर इसके बाद मुझे भट्टे पर काम करने की दावत दी। मैं वहाँ पर पुरसकून होकर काम कर रहा था कि अचानक से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, तो मुझे घर पर रुकना पड़ा। जब मैं भट्टे पर पहुंचा तो वहाँ पर सब मजदूर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैं जाकर अपनी मेज और कुर्सी पर बैठ गया, जहाँ पर पहले मेरे अब्बा बैठा करते थे। सब लोग मेरी मिसाल देते थे। भट्टे पर काम करने वाले और वहाँ पर आने वाले लोग मुझे कहते थे कि तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो, तुम्हें यहाँ पर मौजूद देखकर ऐसे लगता है कि तुम्हारे अब्बा को देख रहे हैं। अचानक भट्टे पर काम करने वालों में भगदड़ मच गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने एक जानिब से आ रही ईंटों की ट्राली को देखा तो मेरे छक्के छूट गए, क्योंकि इस पे कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था। वहाँ पर एक आदमी ने ट्राली को बिना गियर लगाए छोड़ दिया था, जो कि अपनी ही सिमत में चलती जा रही थी। सब लोग इसके नीचे आने से डरकर भाग रहे थे। मैं जल्दी सूरतेहाल को संभालने के बारे में सोच विचार कर रहा था तो ईंटों की ट्राली चलती हुई एक ईंटों के ढेर के पास आकर रुकी। मैं जल्दी से इन ईंटों के ढेर पर खड़ा हो गया। जैसे ट्राली इसके करीब आई तो मैं जंप लगाकर ईंटों की ट्राली पर सवार हो गया और इसके गियर को दबाकर गियर दबाने से ट्राली एक जगह पर रुक गई, तो वहाँ पर मौजूद लोगों की जान में जान आई। तो सब लोग ट्राली वाले की इस गलती पर उसे सर्जिश करने लगे, मगर मुझे उसकी सब में कोई गलती नजर न आई। बाज़ुकात कुछ काम अनजाने में हो जाते हैं, बस वो खुदा की तरफ से ऐसे ही लिखे होते हैं, तो इंसानों की आंखों पर पट्टी बन जाती है। ट्राली वाला मामला भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। मैंने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को पुरसकून रहने के लिए कहा। सब लोग मेरे अब्बा की बहुत इज्जत करते थे, जिसकी वजह से वो मेरी हर बात को तहे दिल से कबूल करते, तो उन्होंने इस ट्राली वाले को मेरे कहने पर कुछ ना कहा और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, वरना सब लोग इसकी दुर्गत बनाने का फैसला कर चुके थे। जब ट्राली वाले सब लोगों को अपने अपने कामों में मसरूफ देखा तो वो मेरे पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा, मगर मैंने उससे आइंदा एहतियात करने का कहकर काम में मसरूफ कर दिया। फिर वो अपने सब साथियों के साथ मिलकर ईंटें उतारने लगा। मैं दोबारा अपने मेज पर बैठकर हिसाब किताब करने में मसरूफ हो गया। अचानक किसी ने मेरे चलते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। जब मैंने अपना सर उठाकर देखा तो एक बच्चे को सामने खड़े पाया, जो कि भट्टे पर काम करने वाले किसी मजदूर का बेटा था। उसे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, मगर उसका बाप मजदूरी करने की वजह से उसे खाना नहीं खिला रहा था, क्योंकि भट्टे पर सब लोगों का एक मखसूस वक्त होता था जिसमें वो लोग खाना खाते, तो इसीलिए वो अपनी मजदूरी छोड़कर अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाना चाहता था। लेकिन इस बच्चे को सख्त भूख लग रही थी। उसके बाप ने मजबूर होकर उसे मेरे पास भेजा ताकि मैं उसे खाना खाने की इजाज़त दे सकूं। मुझे भट्टे पर काम करने वाले लोगों के इस असूल के बारे में मालूम नहीं था। मुझे बच्चे के मुँह से भूख से तड़पने के अल्फाज सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने जल्दी से उसके बाप को बुलाया और उसे सख्ती से सर्जिश की कि सबसे पहले अपने बच्चे को खाना खिलाओ जिसके लिए तुम धूप में कमा रहे हो। मैंने उससे कहा कि अगर तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते हो तो इसे इसकी माँ के पास छोड़ कर आया करो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि इसकी माँ जिंदा नहीं है, जिसकी वजह से इसको मैं अपने साथ रोज ले आता हूँ, मगर मजदूरी करने की वजह से मैं इसको वक्त नहीं दे पाता और ये भी मुझे सताता रहता है। मुझे उसकी बात सुन के बहुत दुख हुआ, तो मैंने उसे बच्चे का ख्याल रखने को कहा। जब उसने अपने बच्चे को खाना खिला लिया तो दोबारा मजदूरी पर लग गया। बच्चा अकेला बैठा मिट्टी में खेल रहा था। मुझे इस बच्चे पर बहुत तरस आया,
तो मैंने उसको अपने पास बुला लिया। मेरे पास मेज पर छोटे छोटे बॉक्स पड़े हुए थे जो कि मैंने उसे खेलने के लिए दिए। वो बॉक्स पाकर बहुत खुश हुआ और उनके साथ खेलने लगा। इसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे अंदर तक सुकून महसूस हुआ क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद थे। मेरी अम्मा कहती थी कि बच्चे तो बाग के फूल होते हैं, इन्हें हमेशा खेलते रहना चाहिए क्योंकि बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा इनकी बातों को गौर से सुना करता था और इन पर अमल करने की कोशिश करता। अब्बा की वफात के बाद से मैं अम्मा के ज्यादा करीब हो गया था, जिसकी वजह से मैं भट्टे से वक्त पर छुट्टी करके अम्मा के पास चला जाया करता था। थोड़ी देर बाद आकर मजदूर अपने बच्चे को ले गया। मैं भट्टे के मालिक को सारा हिसाब किताब दिखाने के बाद अपने घर की जानिब रवाना हुआ। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा दर्द से कराह रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया तो उसने मुझे अपनी तबीयत खराबी के बारे में बताया। उसको जोड़ों का दर्द रहता था। वो दवाई तो बहुत लेती मगर इस पर कोई असर ना होता था। जब अब्बा जिंदा था तो इसके लिए मुख्तलिफ हकीमों से दवाई लेकर आता था, जिसकी वजह से इसको वक्ती आराम आता और इसके बाद दोबारा से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता। मैं इसकी इस तकलीफ से बहुत परेशान था। मुझे इसका दर्द बहुत अजीब लगता था जो कि दवाई खाने से ठीक हो जाता और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा वही तकलीफ शुरू हो जाती। हकीम की दवाई से उसे आराम आता मगर फिर इसी दवाई से कोई असर ना होता। मेरे लिए ये बात बहुत तश्वीशनाक थी तो मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। मैंने अम्मा की तैयारी करवाई और उसके सर पर चादर डालकर उसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर पहले से ही मरीजों का बहुत रश लगा हुआ था। तो मैं अम्मा को लेकर एक तरफ बेंच पर बैठ गया। वहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद थे सब लोग हड्डियों की दर्द से कराह रहे थे। मुझे इन लोगों को देखकर बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपनी तंदरुस्ती पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अचानक से वहाँ पर एक लड़के ने आकर बताया कि डॉक्टर आ चुका है। सब लोग काउंटर पर आकर डॉक्टर के पास जाने की पर्ची बनवा लें। मैं अम्मा को बताकर काउंटर पर पर्ची बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद मैं पर्ची लेकर अम्मा के पास आया क्योंकि हमारा चौथा नंबर था। अचानक बेंच के सामने लगी हुई स्क्रीन पर चौथा नंबर आया तो मैं अम्मा को लेकर डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठकर दवाइयां सेट कर रहा था। जब उसने हमें अंदर दाखिल होते देखा तो अपनी पेशावराना मुस्कुराहट के साथ अम्मा को करीब बेंच पर बैठने का कहा। मैंने उन्हें अम्मा की तकलीफ के बारे में आगाह किया तो वो अम्मा का पूरी दिलजमी से मुआयना करने लगा। फिर उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिसको करवाने के बाद ही वो अम्मा की बीमारी की तशखीस कर सकता था। मैं इसकी बात पर अमल करते हुए अम्मा के टेस्ट करवाने के लिए सरकारी अस्पताल की लेबोरेटरी में ले गया। थोड़ी देर बाद मैं टेस्टों की रिपोर्ट लेके डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने अम्मा की रिपोर्ट देखी तो इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए, मगर उसने अम्मा के सामने कुछ न कहा और मुझसे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारी अम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अम्मा को भी डॉक्टर की बात सुनकर तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि देखा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तू बस मेरे लिए ऐसे ही परेशान होता रहता है। फिर डॉक्टर ने अम्मा को बाहर ग्राउंड में चलने का कहा तो अम्मा डॉक्टर का कैबिन छोड़कर ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए चले गए। मैं जब अम्मा के साथ जाने लगा तो डॉक्टर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर अपने मरीज को वक्त से पहले ये बताकर परेशान नहीं करते कि वो इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर सातों आसमान आ गिरे। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा को हड्डियों का कैंसर है, जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ा वक्त ही बचा है, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हम डॉक्टर तो सिर्फ बीमारी की तशखीस कर सकते हैं या इसके इलाज के लिए अपने मरीज की रहनुमाई। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो, मगर जो कुछ मुझे बता रहा था वो हकीकत थी क्योंकि रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने मौजूद थी, जिसे मैं चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। मैं अपने भारी होते कदमों के साथ डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल आया। जब मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो ग्राउंड में चक्कर लगा रही थी। जो इसके चेहरे पर सुकून और खुशी थी उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए जल्दी से अम्मा के पास पहुंचा और डॉक्टर की तरफ से दिया गया पर्चा, जिस पर दवाएं लिखी हुई थी, वो अम्मा के हमरा लेने के लिए चला गया। दवाई लेने के बाद हम दोनों घर की तरफ रवाना हुए। उस दिन के बाद से मैं अम्मा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो तो मैं अम्मा को दे रहा था, मगर डॉक्टर ने अम्मा के इलाज से मुतल्लिक मुझे कोई उम्मीद न दिलाई थी।
मैंने अपना मामूल बना लिया था कि भट्टे से जल्दी वापस आ जाना और अम्मा के साथ वक्त गुजारता, मगर अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अम्मा खुद को कमज़ोर होता पाकर बहुत परेशान रहती और फिर उसको साथ ही मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। वो बस जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती थी क्योंकि उसको मेरे अकेलेपन की बहुत फिक्र सताने लगी थी। मैं तो इससे बहुत मना करता था मगर वो मेरी एक ना सुनती। इन्हीं दिनों मेरे दोस्त की शादी थी जिसमें उसने मुझे शिरकत करने की दावत दी थी। जब अम्मा को मेरे दोस्त की शादी के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त तीसरी शादी कर रहा है मगर तुम तो एक भी नहीं करते। उन्होंने हंसते हुए मुझे शर्म दिलाई मगर मैं मुस्कुरा कर उनकी बात टाल गया। मेरे दोस्त की शादी पर जाने का मेरा कोई इरादा न था क्योंकि मैं अम्मा की बीमारी की वजह से उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, मगर मैं अम्मा के बेहद इसरार पर शादी में शिरकत पर राजी हो गया। लेकिन मैंने अम्मा के सामने शर्त रख दी कि वो भी मेरे साथ शादी में शरीक होंगी, तो अम्मा ने मेरी बात मान ली। जब मेरे दोस्त की शादी का दिन आन पहुंचा, अम्मा मेरे हमरा तैयार होकर शादी में शिरकत के लिए चल पड़ी। उन्हें जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा था मगर उन्होंने मुझे इस बात का एहसास ना होने दिया क्योंकि वह शादी में शिरकत की खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी। जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो उसे शादी की मुबारकबाद दी। उसे अम्मा से मिलकर बेहद खुशी हुई। वो अम्मा को बातों ही बातों में कहने लगा कि अब मेरे दोस्त के सर पर भी सेहरा सजाने की फिक्र करें। जब मैं अपने दोस्त के हमरा बारात लेकर लड़की वालों के घर दाखिल हुआ तो बारात के इस्तकबाल में बहुत सी लड़कियां खड़ी हुई थी। इनके हाथों में फूलों की प्लेटें थी जो कि वो बारातियों पर बरसा रही थी। अचानक से बेदेहानी में मेरी टक्कर वहां पर खड़ी एक लड़की से हो गई जिसने गुस्से भरी नजरों से मेरी जानिब घूर कर देखा। उसे पहली नजर देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मुझे अम्मा के लिए बहू मिल गई हो। मैं अपनी सोच पर खिलखिला कर रह गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं भी अपने दोस्त के साथ ही सेहरा बांध कर बैठ जाऊँ और उसके साथ अपनी दुल्हन को भी ब्याह कर घर ले आऊँ। मुझे अपनी खाम ख्याली पर बहुत हंसी आ रही थी। मैं शादी में अपने दोस्त के साथ साथ ही रहा। बातों ही बातों में मुझे अपने दोस्त के जरिए से मालूम हुआ कि जिस लड़की से मेरी टक्कर हुई है वो इसकी सबसे छोटी साली थी जो कि अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। मेरा दिल तो हथेली पर सरसों जमाने के लिए बेताब हो रहा था, तो मैंने अपने दोस्त की शादी में ही अम्मा को इस लड़की के बारे में सब कुछ बताया जो कि मेरे दोस्त की साली थी। अम्मा की तो बैठे बैठे परेशानी ही खत्म हो गई थी। उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलने जा रही थी, उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने मेरे दोस्त की अम्मा की मदद से मेरे दोस्त की सास से बात की। वो तो दूसरी बेटी के रिश्ते होने पर फूले नहीं समा रही थी। उन्हें मेरी तरफ से भेजे गए रिश्ते पर कोई एतराज न था। यूं सब कुछ खुश असलूबी से तय हो गया था। जब मैंने अपने दोस्त को इस अचानक इत्तफाक के बारे में सब कुछ बताया तो मुझे उसके चेहरे पर कोई खुशी की रमक नजर न आई, मगर उसने अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाते हुए मुझे अपने गले लगा लिया और रिश्ता पक्का होने पर मुबारकबाद देने लगा। मेरा दोस्त तीसरी शादी कर रहा था पर उसकी एक भी औलाद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तू शादी करे तो मेरे वाली गलती न करना, बल्कि शादी की पहली रात बीवी के बिस्तर के नीचे कच्ची मछली जरूर रखना। मैं उसकी बात पर बहुत हंसा, लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई तो कुछ सोचते हुए बीवी से छुपा कर कच्ची मछली बीवी के बिस्तर के नीचे रख दी। अगली सुबह जब आँख खुली तो दुनिया हिल गई कि बीवी दर्द से चीख रही थी और उसके चेहरे पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के एलर्जी के निशान बन रहे थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद सुर्ख होते जा रहे थे। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत परेशानी हुई और वो अपनी बिगड़ती हुई हालत देखकर मुसलसल चीखें मार रही थी। जब अम्मा उसकी चीखों की आवाज सुन के कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने मुझसे अपनी बहू के तकलीफ के बारे में पूछा। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताता, उनकी नजर मेरे बिस्तर पर पड़ी। मैंने उनकी नजरों के ताकों में देखा तो घबरा गया। उन्होंने आगे बढ़कर चादर उठाई तो इसके नीचे मछली पड़ी हुई थी। मेरी बीवी मछली को देखकर मजीद चीखने लगी और बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अम्मा ने खफगी से मेरी जानिब देखा मगर उनकी सवालिया नजरों का मेरे पास कोई जवाब ना था। मैं नजरें झुका कर रह गया। मैंने जल्दी से बीवी को उठाकर करीब पड़ी चारपाई पर डाला और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा, मगर वो होशो हवास से बेगाना थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। अम्मा ने मुझे कोसते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी बीवी बेहोश पड़ी हुई है और तुम इसके चेहरे पर पानी फेंककर होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस अचानक अफादियत पर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सारी एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई उसके हाथों और पाँव पर भी बन रही थी। उसकी एलर्जी को फैलता देखकर मेरे छक्के छूट गए तो अम्मा ने मेरे सर पर चपत लगाते हुए मुझे एम्बुलेंस को फोन करने का कहा।
मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया तो वो अपने अहलकारों के साथ हमारे घर में दाखिल हुई। मैं अपनी बीवी को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की जानिब रवाना हुआ। मैं उसको मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रहा था मगर वो होशो हवास से बेगाना पड़ी हुई थी। अम्मा की खुद अपनी तबीयत नासाज थी तो मैं इनको अपने साथ लेकर आया। जब मैं उसे लेके अस्पताल पहुंचा तो तमाम डॉक्टर्स एमरजेंसी में मौजूद थे। उन्होंने मेरी बीवी की हालत देखी तो सब डॉक्टर अलर्ट हो गए। वो जल्दी से मुआयना करने लगे और उन्होंने मुझे कच्चे खून की बोतलों का इंतजाम करने को कहा क्योंकि मेरी बीवी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ रहा था। मैं अस्पताल में बने ब्लड बैंक की तरफ गया और वहाँ से खून की बोतल लेकर एमरजेंसी की तरफ रवाना हुआ। जब डॉक्टर ने खून की बोतलें लगा लीं तो उन्होंने मेरी बीवी की हालत से मुतल्लिक मुझे पुरसकून रहने को कहा क्योंकि इसकी हालत खतरे से बाहर थी मगर मुझे उसकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। चंद घंटों बाद मेरी बीवी को होश आ गया। उसको होश में आता देखकर मेरी जान में जान आई। जब उसको होश आया तो डॉक्टर इसकी एलर्जी पर दवाई लगाने लगे। थोड़ी देर बाद अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि आपकी बीवी को किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी है जो कि इसको मुतासिर करती है। अगर मरीज को किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी हो जो कि इसकी हालत में खराबी का बाइस बनती है तो मरीज को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखा करें। तो उन्होंने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा और मुझसे पूछा कि आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में मालूम है जिसकी वजह से आपकी बीवी को एलर्जिक हो। मैंने अपने कंधे हिलाते हुए लाइल्मी का इशारा किया तो उन्होंने मेरी तरफ से लाइल्मी पाकर फिर मेरी बीवी से पूछने का फैसला किया और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर एमरजेंसी के कमरे में दाखिल हुए। फिर डॉक्टर ने मेरी बीवी से एलर्जी के बारे में इस्तफसार किया। उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे मछली से एलर्जी है। बचपन से ही अगर मैं मछली के करीब जाती थी या उसके पास से गुजरती तो मेरे ऊपर एलर्जी का अटैक होता था। डॉक्टर ने उससे कहा कि जब आपको अपनी बीमारी के बारे में मालूम है तो एहतियात करना लाजमी है वरना इससे आपकी अज़्ज़वाजी ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है क्योंकि आपकी एलर्जी शदीद किस्म की होती जा रही है जो कि जिस्म पर बढ़ती हुई आपके नाजुक हिस्सों को मुतासिर कर सकती है जिसकी वजह से बेउलादी के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं तो डॉक्टर की बात सुन के दंग रह गया। उसने मेरी बीवी को चेहरे पर लगाने वाली दवाई दी, कुछ और अद्वियात एक पर्चे पर लिखकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरी बीवी ने मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा और उसने मुझसे इस्तफसार किया कि आपके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं। मैं इसके सवाल पर बौखला के रह गया और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल किया और इस बात पर खुद को पुरसकून किया कि बीवी को बिस्तर के नीचे रखी गई मछली के बारे में कुछ इल्म ना था लेकिन मुझे इस बात की फिक्र सता रही थी कि बीवी को अस्पताल लाते वक्त मैंने बिस्तर के नीचे से मछली को नहीं हटाया था। मेरी बीवी की हालत काफ़ी बेहतर थी तो मैं इसको अपने साथ लेकर घर की जानिब रवाना हुआ। हम दोनों रास्ते में एक टैक्सी पर सवार हुए और मेडिकल स्टोर पर कुछ देर के लिए दवाइयाँ लेने की गर्ज से रुके तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिनके साथ छोटे बच्चे भी थे। वो बच्चे इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें देखता जाऊँ। फिर मैंने उससे अपना ध्यान हटाकर मेडिकल स्टोर से मुतलका दवाई ली। अचानक से मेरी नज़र इन बच्चों पर पड़ी तो वो बच्चे आपस में खेलते हुए सड़क की जानिब जा रहे थे। मैंने जल्दी से जाकर उनको पकड़ा और उनके वालदैन के हवाले किया। एक बार दोबारा से मेरे जहन के पर्दों पर डॉक्टर की बात लहराई तो मैं खौफ से झुरझरी भर के रह गया। जब मैं अपनी बीवी के हमरा घर में दाखिल हुआ तो मेरे दिल में एक ही डर बैठा हुआ था क्योंकि कमरे में बिस्तर के नीचे मछली रखी हुई थी। अगर बीवी कमरे में चली जाती तो मछली की वजह से उसकी दोबारा तबीयत खराब हो सकती थी। मुझे अम्मा सामने बैठी हुई नजर आई तो मैंने अपनी बीवी को माँ के पास जाने का कहा और खुद जल्दी से कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर की चादर बदली हुई थी। मैंने बिस्तर उठाकर देखा तो इसके नीचे मछली मौजूद न थी तो मेरा अटका हुआ सांस बहाल हुआ। मुझे पूरा यकीन था कि अम्मा ने कमरे में मेरी की गई बेवकूफ़ी को साफ किया था क्योंकि हमेशा माँ ही अपनी औलाद की गलत बातों पर पर्दा डालती है। जब मैं बाहर आया तो मैंने मुस्कुराकर अम्मा की तरफ देखा तो वह मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझ गई और उसने मुझे नजरों ही नजरों में पुरसकून रहने का अंदिया दिया। फिर मेरी बीवी के सर पर प्यार करते हुए उसे कमरे में जाने को कहा। इनके जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने उनको दबाते हुए देखा तो जल्दी से उनकी जाने पड़ा और परेशानी के आलम में उनकी दवाइयों के बारे में पूछने लगा क्योंकि जब भी उनकी तबीयत खराब हुई थी तो मुझे परेशानी लाहक हो जाती थी। मैं उनको खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ती गई। वो चारपाई पर सीधी लेट गई। मुझे कोई भी राह नजर नहीं आ रही थी। मैं बार बार इनके हाथों को मसल रहा था मगर इनके जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। अचानक से उनके जिस्म ने झटके लेना शुरू कर दिए और फिर एकदम उनका वजूद साकित हो गया।
मैं करीब ही मौजूद एक डॉक्टर को जल्दी से बुला लाया। जब उसने अम्मा का मुआयना किया तो नहायत अफसोस और दुख से उसने कहा कि तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया है। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने पास पड़ी हुई चादर अम्मा के चेहरे पर डाल दी। मेरे रोने की आवाजें सुनकर बीवी जल्दी से बाहर आई। जब उसे सारी सूरत हाल के बारे में इल्म हुआ तो वो मुझे दिलासे देने लगी, मगर मुझ पर कोई भी दिलासा असर नहीं कर सकता था। मुझे अब्बा की वफात का सदमा बहुत ज्यादा था। अभी मैं इस सदमे से भी बाहर नहीं आया था कि अम्मा भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं अम्मा की चारपाई के साथ लगकर आंसू बहाता रहा। देखते ही देखते घर में लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। सब मेरे करीबी रिश्तेदार मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। जब अम्मा को सब औरतें कफन में लपेटकर गुस्ल देने के बाद लेकर आईं, तो अम्मा के चेहरे पर मरने के बाद एक अलग ही नूर छाया हुआ था। क्योंकि मैं हमेशा अपने बड़ों से सुनता आया था कि मरने के बाद जिस इंसान के चेहरे पर नूर होता है, उस पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो रही होती है। अम्मा की नमाज जनाजा के बाद जब मैं उसको कब्र में उतारने लगा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन मैंने अल्लाह की मर्जी को हाजिर नाजिर जानते हुए अम्मा को कब्र में उतारा। अम्मा को मनो मट्टी तले दफनाने के बाद मैं अपने तमाम रिश्तेदारों के हमरा घर में दाखिल हुआ। मेरी बीवी औरतों में बैठी रो रही थी। अभी उसकी शादी को दूसरा दिन था कि सब लोग बातें बना रहे थे। बहू के सब्ज कदमों की वजह से सास की मौत हो गई। पता नहीं औरतों को ऐसे मौकों पर लगाई बुझाई की आदत क्यों होती है। उनको इतना भी एहसास नहीं होता कि एक इंसान पहले ही दुख में मुब्तला है और अपनी बातों से मजीद उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती हैं। मेरी बीवी बुत बनीन में बैठी बातें सुन रही थी। जब अम्मा के स्वयं का खत्म हो गया तो सब करीबी रिश्तेदार अपने घरों को चले गए। मैं अम्मा की चीजों को बैठा देख रहा था और एक एक चीज को बिल्कुल इस तरह संभाल कर रख रहा था जैसे अम्मा रखा करती थी। मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने मुझे बहुत दिलासा दिया। मैं बिल्कुल उसकी तरफ से गाफिल हो चुका था। मैंने उसके चेहरे पर देखा तो एलर्जी के निशान काफी कम हो चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं नॉर्मल होता रहा। रोजमर्रा के कामों में मैंने खुद को मसरूफ कर लिया था, मगर जब भी बीवी के एलर्जी ज्यादा चेहरे को देखता तो बार बार दोस्त की तरफ ख्याल जाता कि उसने मुझे ऐसा जानलेवा मशवरा क्यों दिया जिससे मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम भी हो सकता था। बार बार ये सवाल मुझे सताता था। मैं अपने दोस्त के पास जाकर उस सब के बारे में पूछना चाहता था। फिर मुझे बार बार अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता कि इसने तीन शादियां करके भी इस तरह का अमल न किया और मैंने अपनी पहली बीवी के साथ इस तरह का सलूक कर डाला। एक दिन मैं बट्टे पर बैठा काम कर रहा था। उसे ईंटों की ट्राली की ज़रूरत थी तो वो मेरे पास आया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसका काम मजदूरों से कहकर करवाने लगा। वहाँ पर मौजूद लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और कुदरती तौर पर वहाँ भट्टे का मालिक भी आया हुआ था। वो भी मेरे दोस्त के सामने मेरी शान में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा था। अल्लाह ने मुझे इज्जत अता की हुई थी, लेकिन मैं कभी भी दिल में इस पर गरूर नहीं करता था। सब लोगों की बातों में जब मेरा ध्यान दोस्त की तरफ गया तो उसके चेहरे पर मुझे हकारत के अलावा और कुछ नजर न आया। वो जब भी मुझे मिलता था तो हमेशा उखड़ा सा मिलता। शादी पर भी उसका रवैया मेरे साथ अच्छा न था, मगर मैं उसको अपना जिगरी दोस्त समझता था। जब मैंने उसका तमाम काम मुकम्मल करवा लिया तो वो जल्दी से जाने लगा, मगर मैंने उसे रोक लिया और उसे कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने मुझे काफ़ी उखड़ा सा जवाब दिया और कहा कि जो बात करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा फालतू वक्त नहीं है। तो मैंने उसे सारा माजरा कह सुनाया जो बात उसने मुझे अपनी शादी के वक्त कही थी, और उसकी बात पर अमल करने के नतीजे में मैंने उसे डॉक्टर की तमाम बात कह सुनाई तो वह हैजानी कैफियत में हंसने लगा। उसने कहा कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया, तो मुझे उसकी बात की समझ ना आई। उसने मेरे चेहरे के बदले हुए तेवर देखे तो कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी साली को मछली से बहुत बुरी एलर्जी होती है, और अगर इसको मजीद एलर्जी होगी तो वो औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाएगी। मुझे इन तमाम बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहता था, मगर उसने तुम्हारे साथ शादी करने में बहुत जल्दी कर दी, जिसका खमियाजा उसे अब भुगतना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों ने बिना मुझसे पूछे मेरे दोस्त को मेरी साली का रिश्ता दे दिया। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था, और सोने पे सुहागा वो भी इस दोस्त को जो मुझे सारी जिंदगी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे हमेशा घर में टॉर्चर किया जाता था। मेरे अब्बा तो तुम्हारी मिसालें दे देकर मुझे जहनी तौर पर टेंशन देते थे। वो तो चाहते थे मैं तो तुम्हारी तरह बन जाऊँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं। तुम तो उनकी होशो हवास पर सवार थे। मैं तुम्हारी वजह से हसद की आग में अंदर ही अंदर जलता रहा। जब मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिला तो मैं भला इसको कैसे गंवा सकता था।
तो मैंने तुम्हें तुम्हारी अज़्दवाजी जिंदगी में मुतासिर करने का फैसला किया। तुम अगर मेरी साली से शादी कर ही चुके थे तो तुमसे बदला लेना तो मेरा बनता था ना। तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना ही कर लिया और मुझे बस फीका सा बताने के लिए आ गए। इसलिए मैंने तुम्हारे कान में मछली वाली बात कही थी, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी फितरत के हाथों से मजबूर होता है। उसको जो कम फायदे के लिए बताया जाए वो उसको करके ही रहता है। और मुझसे ज्यादा कौन अच्छे तरीके से जानता है कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। तुम तो जहाँ भी कोई बच्चा देखते थे उसको प्यार करने लग जाते थे। तो मैंने सोचा कि तुम तो राह चलतों से इतना प्यार करते हो तो अपनी औलाद को तो सीने से लगा कर रखोगे। इसलिए मैंने वहाँ पर वार करने का फैसला किया जहाँ तुम्हें चोट भी ज्यादा लगेगी। इसने मुझ पर तरस खाते हुए कहा कि अफसोस अभी भी तुम पर मेरा वार अच्छे से नहीं लगा। मैं इसकी तमाम बातों को साकत वजूद के साथ सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त को मैं अपना जिगरी दोस्त समझता था वो मेरे साथ इस तरह भी कर सकता है। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं एक मिनट भी उसके पास न रुक सका और जाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। मगर खुद को काम में मसरूफ होने के लिए सिर्फ मैं जाहिर करवा रहा था, वरना मेरा दिमाग तो अपने दोस्त की बातों की तरफ लगा हुआ था। वहशत की आग में जल रहा था। उसने तो दोस्ती जैसे रिश्ते को ही पामाल कर डाला। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद मुझे अपने वजूद में ताकत खत्म होती महसूस हो रही थी, तो मैं भट्टे के मालिक से जल्दी छुट्टी लेकर घर चला गया। जब घर गया तो बीवी को कामों में मसरूफ देखा। मैं अपनी कोई परेशानी उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था तो खामोशी से कमरे में चला गया, मगर वो मेरी परेशानी को भांप चुकी थी, इसलिए सारे कामों को छोड़कर कमरे में मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि कोई परेशानी है। उसके पूछने के बाद मैं खुद पर जबत न रख सका और उसको शुरू से लेके आखिर तक सारी बात बता दी। बातें सुनने के बाद वो बहुत हैरान हुई। उससे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि यही सच है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसने जो कुछ सोचा ये उसका फेल था। तब अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो हमें जरूर अता करेगा, वरना हम इंसान उसकी नेमत के आगे बेबस हैं। जब काफी वक्त गुजर गया तो मेरी बीवी उम्मीद से हो गई और अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटे से नवाजा। मैं उसकी अता करदा नेमत पर हर वक्त शुक्र अदा करता रहता था। मेरे बेटे की पैदाइश पर जब मेरा दोस्त अपनी बीवी के हमरा हमारे घर में दाखिल हुआ तो इसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था, क्योंकि उसने तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह हमेशा सबर का मीठा फल देता है। तीसरी शादी करने के बावजूद भी उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जब वो मेरे सामने आया तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर तुम्हारे पास औलाद मौजूद है। मुझे लगता है कि मेरा हसद ही है जो मेरे अंदर पल रहा था और जिसकी सजा के नतीजे में अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ है। उसने मेरी मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। मैंने उसको माफ कर दिया और अपनी औलाद उसकी गोद में दे दी और हम दोनों ही बच्चे को प्यार करने लगे। मेरा नाम हामिद है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरे चार बच्चे हैं और चारों ही शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने चारों बच्चे ही बेहद अजीज हैं और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ मंदी चल रही है। मेरी शादी मेरी चचा जात से हुई थी। वो तो बहुत खूबसूरत थी मगर जुबान की बहुत तीखी, जो दिल में आता है मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर ना बोल दिया करो, लेकिन उसे मेरी ये बात समझ ही नहीं आती, बल्कि वो ये कहकर मेरे एतराज को रद्द कर देती है कि वो मुंह फट नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बुरी लगती है और अक्सर नजरअंदाज करनी पड़ती है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे बेजार बेजार सा रहने लगा था। इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि सामने वाले को इसकी बात बुरी तो नहीं लग रही। मैं आजकल अपनी दुकान की दुकानदारी कम होने की वजह से बेहद परेशान रहने लगा था। मैं 5 वक्त का नमाजी और दीनदार आदमी हूँ और हर वो अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा खुदा मुझसे राजी रहे, लेकिन फिर भी मेरे काम में बरकत पैदा नहीं हो रही थी। मैंने दुकान पर जिक्र महफिल का इनकाद भी करवाया लेकिन काम वैसा ही रहा। मुझे लगने लगा था कि मेरा खुदा मुझसे नाराज है और इसीलिए मैं कुछ बेचैन भी रहने लगा था। इसी तरह मामूल के दिनों में से एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान में सिर्फ मैं अकेला ही था, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था
अब दोपहर हो चुकी थी मगर सुबह से एक भी गाहक नहीं आया था। गर्मियों के दिन थे तो गर्मी से बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और अब मैं हाथ से पंखा चल रहा था। मेरी नजर सामने वाले कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी जहाँ एक के बाद एक गाहक आ रहा था और ढेरों खरीदारी करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास हर किस्म का कपड़ा था, वो भी अच्छे मियार का, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम कम ही आते थे। मैं अभी इस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ ही था जब अचानक एक तरफ से एक फकीरनी आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान सामने वाली दुकान की तरफ था। मेरे दिल में बेसाख्ता शिकवा पैदा हो रहा था कि मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा। इस फकीरनी ने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाबू जी, मुझे कुछ कपड़ा तो दे दो। इसकी तीखी और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रह गया। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। सर को दुपट्टे से ढक रखा था और एक घिसा हुआ पुराना ढीला ढाला सा सूट पहन रखा था जो गंदा भी था। पाँव में भी पुरानी सी चप्पल थी, जबकि गोरे रंग पर नाक में एक लौंग दमक रही थी जो इसके गोल चेहरे पर बेहद जच रही थी। चेहरे पर जगह जगह मट्टी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मुलायमत थी कि उसे देख देख कर दिल नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोए खोए देख कर फिर से कहा, ओ बाबू जी, कुछ कपड़ा दे दो इस भिकारन को। इसकी इल्तजा सुनकर मैं होश में आकर उसकी तरफ मतवजा हुआ, जब हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये तो बताओ कि कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजरें हटाकर मुझे देखा और कहा कि मैं नसीबा हूँ और एक भिकारन हूँ। मुझे उसका नाम काफी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर उसका बसेरा है, वहाँ वो झोंपड़ी में रहती है। मैंने सुनकर सर हिला दिया और एक रंगदार खूबसूरत सा कम कीमत जोड़ा दिया और कहा कि ये लो। मुझसे कपड़े लेकर वो बेहद खुश हो गई और उसे अपनी चादर के ऊपर से ही ओढ़कर मुझसे कहने लगी, बहुत शुक्रिया बाबू, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। उसके सर पर सजा सुर्ख रंग का दुपट्टा देखकर मैंने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो। वो वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। वो मेरे मुंह से तारीफ सुनकर बोली, बहुत शुक्रिया बाबू। उसने वो कपड़े तय करके शॉपर में डाले और लहक लहक कर मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते को हो ली। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक खातून कपड़े लेने आ गई और मैं इस भिकारन को अपने जहन से झटकता इस खातून को कपड़े दिखाने लगा। उसे कपड़े देखकर पैसे लेकर मैं फारिग ही हुआ था कि चंद और खवातीन आ गईं और कपड़े देखने लगीं और फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पहला गाहक जाता नहीं कि दूसरा भी आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर गाहक बढ़ते जा रहे थे, एक एक गाहक भी कम अज कम 5-6 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर ये देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने गाहक आए और कितने गए। सारा दिन मेरे पास गाहकों का अंबार लगा रहा और शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक गए और मैं आज पहली बार इतने गाहकों को भुगता कर और तकरीबन खाली दुकान को देख कर हैरान रह गया कि आज ऐसा कैसे हो गया कि एक ही दिन में इतने गाहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैं जमा हुए पैसों से मजीद कपड़ा खरीद लाया और वो सारे कपड़े दुकान में सजाए। बाकी के पैसे लेकर मैं हंसी खुशी घर गया और अपनी बीवी को भी जाकर ये बताया, जिस पर वो भी बेहद खुश हुई और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने हमारी रोजी में बरकत डाली। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुँचा और गाहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन इस दिन फिर से वो भिकारन सबसे पहले मेरी दुकान पर आन खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही गंदा सा लिबास पहन रखा था, हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था। फिर भी वो वही गंदा लिबास पहन कर आ गई, लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का होता महसूस होता। उसने कल की तरह आज फिर कहा, ओ बाबू, मुझे कपड़े दे दो ना। वो इतने नरम और दिल मोह लेने वाले अंदाज में बोलती थी कि मैं उसे मना कर ही नहीं पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार नहीं करने देता था। मैंने आज भी बिना चूंचरा किए उसे कपड़े दे दिए, जिसे वो ओढ़कर देखने लगी। आज नीले रंग के कपड़े थे और ये भी उस पर अच्छा लग रहा था, इस पर हर रंग ही जच जाता था। उसने पूछा, ओ बाबू साहब, अच्छी लग रही हूँ ना। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वो झट से कपड़े उठाती दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता देखता रहा।
उसके जाने के बाद आज फिर से ग्राहकों की आमद शुरू हो गई और मैं इनमें मसरूफ हो गया। एक के बाद एक ग्राहक को भुगताते मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का वक्त हो गया, मगर मुसलसल कोई ना कोई आ रहा था। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। इस सोच ने मेरा इरादा पुख्ता कर दिया। इस दिन मैंने सारे ग्राहकों को अकेले ही निपटाया। इस दिन भी मेरी सोच से ज्यादा आमदनी हुई थी, जिस पर मैं बेहद खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने को कहा, जिसकी मैंने महाना उजरत भी बता दी, जिस पर वो राजी हो गया। यूं वो लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वो बेकारन भी रोज आते और मुझसे मुफ्त में कपड़ा लेकर चले जाते, लेकिन मैंने कभी उसे वो नए सूट पहने नहीं देखे जो मैंने उसे दिए थे। उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा गंदा पुराना लिबास ही पहन कर आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि वो क्यों वो लिबास नहीं पहनती जो मैं उसे देता हूँ, पुराने गंदे लिबास क्यों पहनती है, मगर वो हंसकर टाल गई और फिर मुझसे नया कपड़ा लेकर चले गई। मैं भी उसके हुसन से मुतासिर कभी उसे इनकार नहीं कर पाया, लेकिन इस बारे में मैंने कभी अपने घर में जिक्र नहीं किया, ना ही उसे इस बकारन की बाबत बताया, वरना वो मुझे लेक्चर देने लग जाती कि मुफ्त में कपड़े क्यों देते हो बिकारन को, और फिर मुझे उसे आगे मुस्तकबिल में कपड़े देने से मना कर देती। वो बिकारन रोज पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती, लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर गाहकों का रश लग जाता कि सर खुजाने की फुर्सत ना मिलती। मेरी दुकान अब मजीद तरक्की कर रही थी और ज्यादा मुनाफा हो रहा था। अब तो मुझे ताज्जुब होने लगा था कि इसी भिकारन के जाते ही गाहकों का रश लग जाता था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना ही मेरी दुकान पर इतना रश लगा होता था, बल्कि मैं हर वक्त खाली बैठा सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर वक्त रश लगा रहता था, और मैं खुद अपनी दुकान पर फारिग बैठा रहता था। मैं इस भिकारन को रोज कपड़े तो दे देता था, लेकिन अब मुझे इस भिकारन पर शक होने लगा कि इसके जाते ही मेरी दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है और फिर वो वाले कपड़े पहनती भी नहीं जो मैं देता हूँ, तो इन पैसों का करती क्या है। यही सोचकर मैंने इस मामले का पता लगाने का सोचा। वैसे भी तजस्सुस अब मुझ पर हावी हो रहा था कि मालूम करूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मेरे दिल में खुदबुद होने लगी थी, न जाने ऐसा क्या मामला था जो ये सब हो रहा था। मेरे दिल में इस मामले को हल करने का इरादा सर उभा रहा था। तभी मैंने अपने तजस्सुस को खत्म करने के लिए इस सारे मामले को परखने का फैसला किया और एक प्लान तरतीब देने लगा। एक दिन हस्पे मामूल वो भिकारन मेरी दुकान पर आई और कहा, ओ बाबू मुझे नया कपड़ा दे दो। मैंने हस्पे मामूल एक सूट हाथ में पकड़ा और शॉपर में डालकर हाथ में थमा दिया और कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन कपड़ों का क्या करती हो, फिर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली कि पहनती हूँ। मैंने तंजिया अंदाज में उसके वजूद पर मौजूद गंदे और पुराने लिबास को देखा और कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा। वो कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के कपड़ों में वो कपड़े रखती हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। तभी खामोशी से कपड़े उसके हवाले कर दिए। वो कपड़े लेकर बाहर निकले और आगे बढ़ गई। मैंने भी अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर अपनी ही दुकान से एक बुर्का पहन लिया। काम वाला लड़का मुझे बुर्का पहनते देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि मैं ये पहनकर कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं जानिब देखा तो वो मुझे दूर जाती नजर आई। मैंने तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाए। रास्ते में वो जगह जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती, किसी से खाने की चीजें मांगती और किसी से कोई और जरूरियात की चीजें मांगती और फिर अपना थैला भरती आगे बढ़ती जाती। मैं मुसलसल छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। उसे मुझ पर किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बुर्का पहन रखा था, जिससे हर कोई मुझे एक खातून ही समझ रहा था। अभी मैं कुछ ही दूर था उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने रुककर इस बच्चे से थोड़ी बातें की और फिर उसके बाल सहलाती आगे बढ़ गई। वो पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा मुसलसल पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सी जगह पर आ गई जहाँ ज्यादा आबादी भी ना थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई थी और इस भिकारन का रुख उन्हीं झोंपड़ियों की तरफ था। हर एक झोंपड़ी दूसरी झोंपड़ी से कदरे फासले पर थी और हर झोंपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था।
जिसकी वजह से झोंपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं इसका पीछा करता रहा और तब तक वो एक झोंपड़ी के करीब पहुंच गए तो उसने पर्दा हटाया तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि झोंपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। इनके साथ एक नौ उम्र लड़की भी थी जो इन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। इस झोंपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वो बेकारन बच्चा चोर थी। यकीनन उसने इन सारे बच्चों को अगवा किया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो ये इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर इनको अपने साथ मांगने के धंधे पर लगाएगी और पैसे कमाएगी, या फिर ये भी हो सकता था कि ये बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेचती हो। ये सारी सोचें और सवाल मेरे जहन में गुटमुट हो रहे थे और मुझे अब इस बेकारन से हमदर्दी करने पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि इसकी मासूम और हसीन शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने अरसे तक मुफ्त में सूट देता रहा। मैं एक दरख्त के पीछे छुपा खुद को मलामत कर रहा था जबकि नजरें सामने भिकारन पर जमी हुई थी। जब इस नौ उम्र लड़की से कुछ कह रही थी वो लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे मुसलसल रो रहे थे जिसकी वजह से इस भिकारन ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे तकरीबन 3 से 10 साल तक के थे। मैं अभी इसी को देख रहा था जब साथ वाली झोंपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। पर्दे के हटने पर मैंने देखा तो वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और वो सब 9, 10 या तकरीबन 11 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वो औरत अब इस भिकारन के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी, जिस पर वो भिकारन इस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। घबराहट के मारे मेरा वजूद पसीना पसीना होने लगा। मुझे लग रहा था कि इसका पूरा ग्रोह है जिसकी पुष्ट पनाही पर यह भिकारन ऐसा काम कर रही है और इसका कारोबार वसी पैमाने पर फैला हुआ है और इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। इन सब बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं वहां से वापसी को पलटा और दुकान पर आ गया। बुरका उतारा और गहरा सांस भरकर खुद को पुरसकून करते पानी पिया। वो सब देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। मैंने काम वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नजरों के सामने इन मासूम और रोते बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो इस भिकारन की कैद में थी। न जाने वो इनके साथ क्या सलूक करने वाली थी। ये सोच मुझे परेशान कर रही थी। मैंने बच्चों से भी कोई बात न की, वरना पहले मैं आते ही पहले उनसे मिलता, बातें करता और कुछ देर खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी बीवी भी भांप गई थी। मुझे यूं चुप देखकर मेरी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हैं? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके इसरार पर उसे सब कुछ बता दिया। इस बात के सिवा कि मैं उसे रोज नए कपड़े देता था, अगर ये बात बता देता तो वो मुझे कमअकल समझकर समझाने लग जाती कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई कि ये मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था और बच्चों पर शफकत करना तो सुन्नत है। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ ये है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए ताकि वो खुद ही बच्चों को इस भिकारन से बाजियाब करवा कर इन बच्चों को इनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो वो ठीक रही थी, यहाँ बात एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो इस भिकारन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर थे। एक अकेला मैं तो इस भिकारन से नहीं निपट सकता था और फिर इसके पूरे ग्रोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था और पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी बीवी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वो भिकारन सूट लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फारिग होने पर मैं उसके पास पहुंचा। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक इसे बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खुद इस सारे मामले को हैंडल कर लेगा, इसे बस इस जगह की लोकेशन बता दूं या फिर साथ चलूं। मैंने इंस्पेक्टर को इस जगह के बारे में बताया और कहा कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से होता देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर मजीद बात करके वहां से निकल आया। मामूल के मुताबिक काम निपटाए तो शाम को इंस्पेक्टर का फोन आ गया
कि वो इसी वक्त वहाँ रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द बच्चों को बाजियाब करवा के उनके माँ बाप तक पहुँचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वो बेकारन बच्चों को आगे कहीं भेज देती। जितनी जल्दी वो पकड़ी जाएगी उतनी जल्दी उसकी पुश्त पनाही करने वालों का पता लगाया जाएगा। मैं इसी वक्त थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। वो आगे तैयार खड़ा था। 15 बंदों की टीम वैगनों में तैयार बैठी थी और फिर मेरे आते ही वो सब इस वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मुझसे मेरे बारे में पूछता रहा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। इस बीच वो मुझे जुराय में मुलविस लोगों के बारे में बताता रहा कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन के एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना और नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। ऐसा करते वक्त लोग ये नहीं सोचते कि आखिरत में हिसाब के दिन अपने खुदा को क्या जवाब देंगे। अगर ऐसा सोच लें तो शायद इस मुआशरे से हर इखलाकी बुराई का खात्मा हो जाए और ये मुआशरा सच में एक पाक रियासत बन जाए। लेकिन अपनी अपनी तरक्की की दौड़ में कोई भी ऐसा नहीं करता, ना ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। आजकल हर इंसान खुदगर्ज़ और मुफाद परस्त है, जिसे बस अपने फायदे से मतलब होता है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और मैं इसकी इस बात से मुत्तफिक था। बातों बातों में हम इस वीराने के करीब पहुंच गए थे। उसने गाड़ियां पीछे ही रखवा दी और सबको हदायत देता हुआ इन झोंपड़ियों को हर तरफ से घेर लेने को कहा। सारे अहलकार चारों तरफ से इन झोंपड़ियों को घेर कर खड़े हो गए। मैं अंदर ही बैठा हुआ था क्योंकि इंस्पेक्टर ने मुझे अंदर ही रहने को कहा कि बाहर खतरा हो सकता है या शायद इस भिखारन के साथ हमला न कर दें, ऐसी सूरत में जानी नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं इसकी हदायत के मुताबिक अंदर बैठा इनकी कार्रवाइयां देख रहा था। झोंपड़ियों को घेर लिया गया था और अब वो इंस्पेक्टर इस भिखारन को बाहर आने का कह रहा था। इसकी आवाज सुनकर वो भिखारन, बूढ़ी औरत और वो कम उम्र लड़की तीनों बाहर आ गई और उसे देखकर हैरान हुई। इंस्पेक्टर इनको खुद को इनके हवाले करने को कह रहे थे, जिस पर वो कुछ बड़बड़ाई हुई और परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा इनके तासुरात देख रहा था। अब वो भिखारन हाथ जोड़े इससे कुछ कह रही थी, मगर इंस्पेक्टर नफी में सर हिलाता मुसलसल इनकार कर रहा था। सारे बच्चे भी बाहर आते अब ये सब कुछ देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने अहलकारों को हदायत दी कि वो इनको गिरफ्तार कर ले, तो अहलकार इन तीनों को गिरफ्तार करने लगे। वो तीनों रोती हुई मज़ाहमत कर रही थी, मगर अहलकार इनकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते इनको हथकड़ियाँ डालकर वैगन में बिठा चुके थे। कुछ अहलकारों ने इनकी झोंपड़ियों की तलाशी ली, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ था, शायद इसके साथ ही कहीं छुप कर बैठे थे या यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन इनको जल्द ही वैगनों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ हमारी वापसी हुई। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके यकीन दहानी की कि वो बच्चों को उनके घरों में वापस पहुंचा देंगे। इस केस की अलग से फाइल तैयार कर ली गई और इन तीनों भिखारनों को जेल में बंद कर दिया गया। मैं मुतमईन सा होकर घर वापस आ गया। मैंने एक अच्छा काम किया था तो जमीर भी मुतमईन था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी बीवी को बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश और मुतमईन हो गई कि सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं भी पुरसुकून था कि अब इन बेसहारा बच्चों को इनका घर, उनके माँ बाप वापस मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया। हस्बे मामूल वो भिखारन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वो तो जेल में थी। मैं मुतमईन सा अपने ग्राहक आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहाँ आज मेरी दुकान से ज्यादा रश लगा हुआ था। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और एक आधा सूट लेकर चला गया। मैं कुछ परेशान सा हुआ, क्योंकि एक बार फिर वही सूरतेहाल होने लगी थी जो इस भिखारन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक ना आता, ना ही कोई कमाई होती। मैं अजहद परेशान हो गया था कि अगर ऐसा ही रहा तो खाऊंगा कहाँ से, और जो लड़का रखा था काम पर उसको तनख्वाह कहाँ से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया था। जिस रोज वो भिखारन आती थी उस दिन आम दिन की निस्बत 3 गुना ज्यादा आमदनी होती थी, लेकिन अब जब वो नहीं आ रही थी तो मेरा काम मंदा हो गया था। मुझे लगा जैसे मुझे उसकी बददुआ लग गई है, लेकिन वो मुझे बददुआ कैसे देती, उसे तो इल्म ही नहीं था कि उसका राज मैंने फाश किया है। मैं अब कुछ परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा सारा दिन मुंह उठाकर खामोश बैठा गाहकों के आने का इंतजार करता रहता, लेकिन कोई भी गाहक ना आता। मैंने अपनी बीवी को अपनी परेशानी का बताया
तो वो भी मुतफक्किर हो गए, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। ना ही हम जबरदस्ती ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाकर कपड़े खरीदने पर मजबूर कर सकते थे। एक दिन यूं ही मैंने इंस्पेक्टर को फोन करके इस भिखारन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं। उसका यही कहना है कि वो सारे बच्चे इसके अपने हैं, इसके साथ इसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वो भी यही कहती हैं कि वो सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए, ना ही वो बच्चों को मांगने पर मजबूर करती हैं, ना ही बच्चों को बेचती हैं। उनका ताल्लुक किसी किस्म के गिरोह से नहीं। इस सब के अलावा अदालत ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला और ना ही इनकी झोंपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस हैं। मैं ये सब बातें सुनकर अचंभे का शिकार हो गया। मैंने पूछा कि इन बच्चों का क्या, इनके वालदैन नहीं मिले? वो तो गवाही दे सकते हैं कि उनके बच्चे हैं जिनको इन भिखारियों ने उठा लिया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के वालदैन का पता नहीं चल सका। अखबारात में भी इश्तिहार दिए, लेकिन अब तक कोई भी इनको लेने नहीं आया, और वो बच्चे भी बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि अम्मा कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि अम्मा वही भिखारन है जिसके खिलाफ आपने कहा था कि ये बच्चों को कैद किए हुए है। वो इस भिखारन को अपनी अम्मा कहते हैं, बूढ़ी औरत को नानी और इस भिखारन की बहन को खाला। इंस्पेक्टर मजीद भी कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही गंग रह गया था कि ये सब हो क्या रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसकी सारी बात सुनकर मैंने फोन रख दिया। इस सब में कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से ओझल था। यकीनन कोई ऐसी बात थी जो छुपी हुई थी। अब तो मेरे दिल ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई सरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के वालदैन को इश्तिहार देखकर फौरन राब्ता करना चाहिए था, मगर अब तक कोई भी एक भी बच्चे को लेने नहीं आया था। कुछ सोचकर मैंने दुकान को काम वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने का रुख किया। आधे घंटे में मैं थाने पहुंच गया था और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद भी इस मामले को लेकर उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वो सीधा होकर बैठा तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, वो सिर्फ अपनी माँ नानी और खाला के पास जाना चाहते हैं। मैंने बड़े बच्चों से पूछताछ की है, उसने बताया है कि इसकी अम्मा ने कभी उसे मारा नहीं, ना ही उसके अलावा किसी और बच्चे को मारा है। वो सब अपनी नानी अम्मा और खाला के साथ रहते हैं, और यही नहीं, जब से होश संभाला है तब से इन्हीं तीनों को अपने इर्द गिर्द उनको संभालते देखा है। ये भी पता चला है कि ये बच्चे शुरू से उनके पास हैं। कभी कभार अम्मा किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वो भी उनके साथ ही रहता है, और कभी कहीं नहीं जाता। इनकी अम्मा उनके खाने पीने, रहने का और कपड़ों का, जूतों का खुद इंतजाम करती है, और इन सब से बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी उनसे मिलने नहीं आया, और सारे बच्चों में से कभी भी कोई भी बच्चा गायब नहीं हुआ, ना ही उनकी अम्मा किसी को कहीं और छोड़ कर आई। इंस्पेक्टर चुप हुआ तो मैं सब कुछ सुनकर उलट सा गया। मैंने पूछा कि सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने कहा कि जैसा आपने बताया था मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। अभी मैं इन खवातीन से पूछने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ इन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थी। इन तीनों की हालतें काबिले रहम हो रही थी, जिसका मतलब था कि लेडीज पुलिस ने इनसे सब कुछ उगलवाने को इन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वो भिखारन मेरी तरफ लपकी और सलाखें थाम कर कहने लगी, ओ बाबू अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे पता था मेरा खुदा कोई ना कोई मसीहा भेज देगा हमें बचाने के लिए, और देखो तुम आ गए। उसकी पुरयकीन आंखें देखकर मैं शर्मिंदा हो गया कि जिसे वो मसीहा समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि वो इतने सारे बच्चे किसके हैं जो तुम्हारे पास हैं? उसने कहा कि वो सारे मेरे बच्चे हैं। मैंने सख्ती से कहा कि मैं जानता हूँ तुम गैर शादीशुदा हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा कि सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने पाला है उन्हें, वो मेरे ही बच्चे हैं। मैंने और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे को देखा। वो भिखारन कह रही थी कि छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था, हम पहले भी झोंपड़ियों में रहते थे और मांग तांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ये पेशा अपना लिया, क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नजर डालने से भी डरे। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे सड़कों पर रुलते नजर आ जाते, जिनके सर पर ना बाप का साया होता ना माँ का।
ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे पर सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे इतने छोटे होते कि इनको पता भी नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं जब भी ऐसे किसी बच्चे को देखती जिसका ना बाप होता ना माँ, मैं उसे अपने साथ ले जाती और उसकी देखभाल करती और पालती। कई नुजायदा बच्चे मुझे कूड़े के ढेरों पर मिलते, जो जाहिर है लोगों के हराम ताल्लुकात का नतीजा होता, जिनकी सजाएं बच्चों को भुगतनी पड़ती, जिनका कोई कसूर भी ना होता। यूं करते करते मेरे पास 20-25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को फेंकते ये भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा गुनाह है। यतीम बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज है कि वो इन यतीम बच्चों की परवरिश करें, मगर नफसा नफसी के इस दौर में लोग नेकी और बुराई में फर्क भूल गए थे। आप किसी से भी पूछ लो साहिब, वो सारे बच्चे मैंने और मेरी माँ बहन ने पाले हैं। इस बेकारन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होकर रह गया कि मैं कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली और इस बेकारन की माँ बहन और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन अपने तौर पर कुछ अरसे तक इन पर नजर रखवाई। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा इस बेकारन ने कहा था। तब इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान इसलिए बनवा दिया जिसमें वो सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। वो मुझे और इंस्पेक्टर को ढेरों दुआएं देती। मैं भी उसके बच्चों के लिए और उसके लिए कपड़े भेजता रहता था, जिसकी वजह से मेरी दुकान में फिर से ग्राहकों का हजूम लगने लगा। इस इंस्पेक्टर के भी प्रमोशन हो गई थी और मुझे अब समझ आया था कि ये गरीब को दिए गए कपड़े का सिला ही था जो मुझे कई गुना मुनाफे की सूरत में मिला था। इसकी दुआओं की वजह से ही मेरी रोजी में बरकत होती थी और मुझे आम दिनों की निस्बत 3 गुना ज्यादा मुनाफा होता था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था जिसने वक्त रहते सारी हकीकत हमारे सामने खोल दी थी।